मेरे साथ ये बूढ़े वालदैन काशिफ कलीम नामी नौजवान के बैठे हुए हैं, जो कि इस वक्त मनोमटी तले जा लिटा है। उसकी वजह क्या बनी, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं कि काशिफ जो कि किसी काम की गर्ज़ से 28 सितंबर को रात को जो है लाहौर गया, वापस जब वो आया तो रात 2:00 चंद मिनटों पर उसके भाई को कॉल आई कि आपका भाई जो है वो उसको हार्ट अटैक हुआ है और वो इंतकाल कर गया है। कहानी क्या है काशिफ के भाई की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं और फिर इस बेबस माँ की भी ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे कि किस्सा क्या है। आपको कब कितने बजे कॉल आई पहली? मुझे 2:10 पे कॉल आई, राजा नकाश की। क्या कहते हैं? वो कहता है कि आपके भाई को हार्ट अटैक हो गया। फिर 5 मिनट बाद कॉल आई है कि वो हॉस्पिटल से लेके एम्बुलेंस पे गारा आ रहे हैं, वो शहीन चौक क्रॉस कर गए हैं। हार्ट अटैक तो हो गया, जो 5 मिनट बाद कॉल आई उसमें उसने क्या बताया? उसने बोला उसकी डेथ हो गई है। तो फिर 5 मिनट बाद कॉल आई है कि वो लेके एम्बुलेंस पे गारा आ रहे हैं, तो वो शहीन चौक क्रॉस कर गए। 5 मिनट बाद ही? 5 मिनट बाद। अच्छा, फिर? फिर वो उसको घर छोड़ गए। हमने तो उनको कुछ भी नहीं बोला, कोई बोला बराने का। उसके पास पैसे भी थे, मोबाइल भी था उसका, ये ना मोबाइल दे रहे थे ना पैसे दे रहे थे। पैसे कितने थे? पैसे 5 लाख रुपया। आपको कैसे पता उसके पास पैसे थे? हमारे पास सबूत है 5 लाख का। जी, तो जब डेड बॉडी घर आई तब उसके पास कितने पैसे थे? 100 रुपया बस। बस हॉस्पिटल वालों ने क्या कहा? उन लोगों ने बोला इसके पास 400 रुपया था। वो भी घर आने तक 100 रुपया रह गया? वो भी घर आने तक 100 रुपया रह गया। फिर इन लोगों से मोबाइल मांगा उसका, वो मोबाइल भी राजा नकाश नहीं था दे रहा उसका। फिर एक थप्पड़ मारा है, वो नशे की हालत में था, फिर उसने मोबाइल दिया हमें। ठीक है, उसके बाद ये लोग किधर गए? उसके बाद ये लोग गायब हो गए हैं, ना जनाजे पे आए हैं। अगर ये सच्चे हैं तो जनाजा भी पढ़ने आते, सारा दिन इधर भी रहते, क्योंकि ये पक्के दोस्त थे। ये बोलते हैं हम बेगुनाह हैं, तो फिर इधर से भाग के क्यों गए हैं? बेगुनाह हैं तो ठीक है। आपको कैसे पता चला कि इसके कत्ल हुआ है? मैं कुछ देर जब उसका मोबाइल मिला ना, मेरा दिमाग काम किया, मैंने बोला उसके मोबाइल पर रिकॉर्डिंग है, मैं उसके फिंगर लगाता हूँ, फिंगर लगाता हूँ, हो सकता है फिंगर से मोबाइल ओपन हो जाए। मैं फिंगर लगाने लगा हूँ तो मैंने हाथ देखे हैं ब्लैक हो गए हुए थे, दोनों हाथ। फिर मैंने उनकी पिक्स बनाई है दोनों हाथों की। ठीक है, पुलिस क्या कहती है? अभी तक पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर रही। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हम लोग जाते हैं डेली, एक दिन में 2 चक्कर लगाते हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। उन लोगों को नहीं बुलाया? उन लोगों को अभी तक नहीं बुलाया, वो इधर गुजरात में घूम रहे हैं। हमारा भी जवान भाई जो है वो फोत हो गया, अल्लाह करे इनका भी फोत हो जाए। ये मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, इन्होंने कितने दिन से खाना भी नहीं खाया, ये चुप करते ही नहीं। ये देखे मेरी वालदा भी चुप करती नहीं है एक मिनट भी, जब ख्याल आता है वो रोना शुरू कर देते हैं। इन लोगों ने मेरे भाई को मिट्टी में मिला दिया। बाबा जी जी, वालेकुम सलाम जी। जवान बेटे की लाश उठानी बड़ी मुश्किल होती है जी, अल्लाह क्या लगता है आपको कि ये बेटा? मेरा बेटा बड़ा प्यारा बेटा सी, मेरी अखा का तारा सी, जिन्ना चिर राती आंदा नहीं सी सानू नींदर नहीं सी आंदी उहदी, राती 3 बजे आवे, 2 बजे आवे, 1 बजे आवे, सानू जिन्ना चिर उहने घर नहीं सी आउणा असीं सौंदे नहीं सौंदे। बस मैं जा मेरे बीमार बंदा वा, मैं अपना मरीज़ भी हाँ, तो मैं जिसले जाग मैं अपना लक सीधा कर ला, तू जरा बहुत बार ही इतें ही बहुत तू, मैं 10 मिनट 15 मिनट होए होंगे लेटे हैं मैनू, तो इन्हें बार रौला पा दिता है, कॉल आई है मुड़ा आंदे जी मुड़े की डैथ हो गई है। मैं वेख्या उठाया जिसले तो उसले कोई जड़ा ना इन्ना रौला पा दिते असी, तो मैनू इन्हें फिर इन्हें भरया, मैं फड़िया इनू फड़िया, तो इन्हें फिर नाल जरा सारा कुछ दसिया मैनू कि कॉल आई है फलाने की, फिर मैं उन्होंने कॉल की है, फिर उन्हें आख्या जी असी जड़े हाँ असी लै के आने पे असी। बस क्या लगता है कौन कौन है वो लड़के, क्या हो गया आपके बेटे के साथ, आपको क्या लगता है? मेरे बेटे ने नाल इन्हें बड़ा जुलम किया, उन्होंने बन के पहला मारिया ने,
मार के फिर इन कोई दिता कुछ है जी जहरीली शह खुआई इन्हें बहुत जुलम इन्हें किया इन्हें तो चलो पैसे खो लेंगे सानू कोई अफसोस नहीं सी क्यों अगे भी इन्ना 8-9 लाख रुपया त्रवां भरावां ने देना सी साडा मुड़े का तो 5-6 लाख रुपया ये साड़ी जुत्ती तो वारे अगे भी जुत्ती तो 18 लाख की गड्डी अगे भी इन्हें साड़ी खुआई सी असा जी महसूस नहीं सी की माँ जी अस्सी अंज उम्र भाई अटैक हो गया मैं क्या कदी मैं क्या तो तू किथे में आंदा जी मैं अस्पताल हाँ वो मेरे बचिया मेरा तो अन्ना कबीला अपना मैं क्या तू मामा लगता सा ना दसन का तू क्यों नहीं दसिया मैं इन्हों के मूँह ते चंडा बार मार के आई हाँ आंदने अम्मा जी टाइम ही कोई नहीं लब्बा फिर नाल ही 5 मिनट मेरा पुत्र गुजरे नाल ही आते किधरे भाई उन्होंने लैके बैठे सानी ते नाल ही असी निकलन लगे हाँ तो वो आंदे ने जी डोली उन्हें साढ़े घर रख दी है नकाशा जड़ा ना वह भी डिगदा फिरदा तेरा भरा भी मेरा पुत्र मैं मेरी चोली च डिग पिया पानी पी पैरी मेरे पैर तड़प इंज कर ड्रामे बाजी कर मैं भी चपेड़ा मारिया ने इन्हें मारिया ने और चाचिया सन महलेदार सन ये तमाशे करता रहा मैं तो लेकिन ता तमाशा ना किया मैं आख्या तू मेरा पुत्र लगना है कि मैनू कोई ये दिल की गल दस देगा बाहर वाले ने यह तमाशा करके 2 मिनट खलोते ने इन्हों पता लग गया कि भाई आंदे ने अटैक नहीं होया बच्चे का हस टुटे है बच्चे सट्टा लगी ने और मेरा बच्चा मैं तो वो मंगनी करनी सी सारी दुनिया वरिया खुशियां दियाँ लोड़ा स ना मेरा पुत्र मैं तो कभी रज के नहीं सी वेख्या अपने काशी मैं वो हाथ चूमती सा ज खंड चूमती स मैं अपने पुत्र नहीं वेख्या लालू थोड़ा ना भला वे और मेरा पुत्र मेरिया रिपोर्टा पैया ने मेरे बंदे दिगर में दूसरा मैं माँ जी की जुबानी आपने सुना है आज किस कदर जो माँ जी गमगीन हैं ये बूढ़े बुजुर्ग हैं उस नौजवान के जो कि आज अपने बेटे की मौत का इंसाफ मांग रहे हैं पुलिस के पास गए तो इन्होंने कहा कि पुलिस ने कहा कि हमारे पास जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा हम तब ही कुछ कर सकते हैं हमारे तमाम जो इदारे हैं उनसे गुजारिश है इस केस को फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर इसको देखा जाए ताकि जो है एक और नौजवान की मौत जो है वो किसी कागज़ की रद्दी ना बन जाए इन बूढ़े वालिदैन को इनके बेटे का इंसाफ मिले यही मेरी आपसे गुजारिश है कामरान भट्ट को दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद